खबर मध्य प्रदेश के इंदौर से। श्री मेढ़ छत्री स्वर्णकार मेवाड़ समाज की सभा आयोजित की गई। इंदौर के श्री मेढ़ छत्री स्वर्णकार मेवाड़ा समाज की साधारण सभा की बैठक समाज की धर्मशाला जगदीश मंदिर छत्रीबाग इंदौर में आयोजित की गई, जिसमें एक साल में किए गए कार्यों का लेखा जोखा समाज जनों के सामने प्रस्तुत किया गया। असंतुष्ट समाज जनों के आरोप प्रत्यारोपों का समाज के अध्यक्ष योगेंद्र सोनी द्वारा जवाब देकर संतुष्ट किया गया। अध्यक्ष योगेंद्र सोनी ने कहा कि हमारी कार्यकारिणी द्वारा जो त्रुटियां हुई उन्हें भविष्य में सुधारा जाएगा। अध्यक्ष योगेंद्र सोनी ने समाज जनों से अपील की कि समाज जन एकता का परिचय देते हुए समाज के विकास में कार्यकारिणी का सहयोग करें। इंदौर से योगेश दुबे की रिपोर्ट। जय अजमेर जी की। दोस्तों, आज श्री मेढ़ क्षत्रिय स्वर्णकार मेवाड़ा समाज की हम सभा की मीटिंग रखी गई, जिसकी हम कुछ जानकारी समाज के अध्यक्ष महोदय योगेन जी सोनी से लेते हैं। भाई साहब, आज जो मीटिंग यहाँ रखी गई, किन मुद्दों पर रखी गई और क्या थी ये मीटिंग? सबसे पहले तो मैं आप सभी को नमस्कार करना चाहता हूँ आपके चैनल के द्वारा। हमारी कार्यकारिणी का एक साल पूरा हुआ और एक साल का लेखा जोखा हिसाब हमको देना था, इसके लिए हमने आज साधारण सभा का आयोजन रखा था। आज 13 तारीख को हमने यहाँ पर साधारण सभा रखी और समय 3 बजे से 6 बजे का टाइम दिया था। काफ़ी संख्या में समाजजन यहाँ पधारे और सभी ने अपने अपने पक्ष रखा, अपने अपने बातें रखी हैं। कुछ हमें सुधार भी दिए हैं कि इस प्रकार से काम किया जाए, हमने उनकी बातें सब सुनी हैं और आगे हम उन बातों का क्रियान्वयन करेंगे, हमारे कार्यशैली में उसको लाएंगे। और सभी का सहयोग रहा, सभी समाजजन एक मैसेज पर यहाँ पर आया, करीबन 500 की संख्या यहाँ रही समाज की और काफ़ी शालीनता से और शांतिपूर्ण ढंग से सभा का आयोजन हुआ। और जो समस्या थी उनका निराकरण आप कैसे करेंगे, पक्ष विपक्ष की जो समस्या? बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि गलत फहमियों के कारण चल रही थी, उसका हमने जवाब दिया, उनको संतुष्ट करा हमारी बातों से, हमारी कार्यशैली से। और उन लोगों को जो लग रहा था वो उन लोगों ने क्वेश्चन किए और उसका हमने शांतिपूर्ण ढंग से जवाब दिया। आगे और इस समाज के लिए आपके क्या उद्देश्य रहेंगे, किन ऊंचाइयों पर आप ऐसे अध्यक्ष इनको ले जाएंगे? देखो, समाज के हिसाब से देखा जाए तो बहुत सारे काम हैं, जितने काम करो उतने कम हैं, लेकिन हमारी टीम की मेन प्राथमिकता गार्डन की जगह लेने की है और उसके लिए हम प्रयासरत हैं। कुछ जमीनें देखी भी है, कुछ बातें भी चल रही है और बहुत जल्द ही हम एक मीटिंग में जमीन का निर्णय लेंगे और उसमें आगे बढ़ेंगे। अध्यक्ष होने के नाते आप समाज जनों को क्या एक संदेश देना चाहेंगे? मेरा तो हमेशा ये प्रयास रहा है कि जितने भी अध्यक्ष आज हैं, जो समाज में अध्यक्ष थे और उनका कार्यकाल पूरा होने के बाद अपने घर पे हैं, अपना कार्य कर रहे हैं, उनसे सभी से मेरा निवेदन है कि समाज की जजम पे सब एक हो और मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करें, जिससे कि समाज का विकास जल्द से जल्द आगे बढ़े और एक अच्छी भूमिका में समाज आए। मैं योगेंद्र सोनी, श्री मेढ़ छत्री संघ का मेवाड़ा समाज, जगदीश मंदिर, जिला इंदौर।